सो हे एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो सो यार फनी बढ़िया ही रहना। सो गाइस, तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैं अपना गेम ओपन किया तो जस्ट गेम ओपन करने के बाद से मैंने देखा कि यहाँ पे 33 MB का अपडेट आ गया है। एंड गाइस, अपडेट आने के बाद से यहाँ पे मैंने देखा कि मेरी कोई भी पुरानी वाले कॉन्फिग फाइल सही से वर्क नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे भाई जो डिमांड करने लगे, मेरे जो सेकंड वीडियो पे बहुत सारा कमेंट आने लगा कि भाई जल्दी से कोई नया वाला कॉन्फिग फाइल दे दो। तो गाइस, यही समय डिमांड देख कर आप लोगों के लिए बिल्कुल यहाँ पे अपडेटेड वर्जन 33 का जो MB का अपडेट आया था उससे मतलब लेटेस्ट कॉम्बी फाइल में अभी आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो गाइस, आप लोगों के साथ बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को भी फटाफट से लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ पे हर अपडेट के बाद न्यू कॉम्बी फाइल वाले वीडियो अपलोड होते रहते हैं। सो तो अभी बात कर लेते हैं कॉम्बी फाइल 100% सेफ एंड 100% सिक्योर्ड है। यार इसका यूज आप अपने मेन ID पे यूज करके गेम प्ले कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। सो ये कॉम्बी फाइल 100% सेफ होता है। सो गाइस, तभी मैं आप लोग को प्रूफ दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो आप लोग बैकग्राउंड में गेम प्ले देख रहे हो, सिंपली ये गेम प्ले मेरा है ना। यहाँ पे इस गेम प्ले का तब का है जब मैंने कॉम्बी फाइल यूज करके अपना गेम प्ले किया। तो यहाँ पे भी देख सकते कि मेरा कोई भी एम मिस नहीं हो रहा, सीधे डायरेक्ट टू डायरेक्ट मैं हिट से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इस कॉम्बी का आप लोग यूज आप अपने मेन ID पे भी यूज करके गेम प्ले कर सकते, कोई चिंता की बात नहीं। तो यहाँ पे देख सकते मैं अपने मेन ID पे ही इस कॉम्बी का यूज करके गेम प्ले कर रहा हूँ। तो यार सिंपली इस कॉम्बी फाइल का आप लोग अप्लाई प्रोसेस अच्छे से देख लेना। अप्लाई प्रोसेस में अगर थोड़ा सा मिस्टेक कर दो तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो सिंपली चलते अपने मोबाइल के स्क्रीन पे एंड आप लोग को बताते हैं कि कॉन्फिग फाइल कैसे अप्लाई होता है। तो गाइस, अभी हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पे आ गए तो इस कॉन्फिग का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। जेट जावा का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, इस कॉन्फिग को कुछ ही तरह से एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे। एक्सट्रैक्ट हियर करने के बाद से कुछ ही तरह से पासवर्ड मांग रहे, तो सिंपली हम अपना पासवर्ड पेस्ट कर देते हैं। एंड गाइस, पासवर्ड पेस्ट करने के बाद से हम लोग का कॉन्फिग फाइल कुछ ही तरह से एक्सट्रैक्ट हियर हो जाएगा, ऊपर फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग को उसे ओपन करना, उसे ओपन करने के बाद से एंड्रॉइड मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोग जाते हैं, इसके अंदर का आप लोग को कोडिंग दिखा देते हैं। तो सिंपली हम लोग कॉन्फिग के अंदर जाते हैं, यहां पे देख सकते हैं HS4X का आप लोग को एमलॉक का कोडिंग देखने के लिए मिल जाएगा, जो आप लोग के फोन में बहुत ही अच्छा वर्क करने वाला है। सब बैक आएंगे, मेन के अंदर जाएंगे, यहां पे नो रिक्वायर का आप लोग को सेंसिटिविटी मिल जाएगा। तो गाइस, आप लोग को कॉन्फिग को कैसे पैक करना मैं आप लोग सिंपली बता देता हूं। तो अभी हम लोग को यहां पे एंड्रॉइड को लॉन्ग प्रेस करके यहां से कट कर लेना। कट करने के बाद से ऊपर जाएंगे हम लोग डिवाइस मोड पे, वहां पे जाने के बाद से कुछ इस तरह से एंड्रॉइड पे आना एंड डेटा पे जाने के बाद से फाइनली कॉम्बिनेशन फाइल को ओपन कर लेना है। जस्ट इसे ओपन करने के बाद से क्या करना है, हम लोग को यहां पे फाइल्स को ओपन करना, फिर कंटेंट किस को ओपन करने के बाद से कुछ तरीके से कंपलसरी को एंड यहीं पे पेस्ट कर देना। जस्ट पेस्ट करते कि मैं बता दूं कि आप लोग का कॉन्फिग अप्लाई हो जाएगा एंड जाकर अपना गेम खेल सकते हो। बट अपना फोन स्विच ऑफ करना, फिर ऑन करना, आपका सेंसिटिविटी 100 रखना एंड रेट डाट रखना 95 से अबव। तो सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।